प्रथम तहलका न्यूज। करनाल जिले के 5 गांव केमला, लालूपुर, कालरंग, अमृतपुर, केरावली की जमीन की चकबंदी करने की मांग को लेकर किसानों ने जमकर सरकार को कोसा। वहीं किसानों की जमीन की चकबंदी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भी की जा रही है, उनका भी किसानों ने पुरजोर विरोध किया। मामला 20 सालों से ज्यादा पहले से चला आ रहा है, परंतु आज तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। सभी तरह की जांच हो गई है, लेकिन किसानों को उनका मालिकाना हक नहीं मिला, जिसको लेकर अब सैकड़ों किसान लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए गेट पर जमकर नारेबाजी की और किसानों के द्वारा मामले को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदर्शन कर रहे हैं आज चकबंदी पीड़ित 5 गांव कालरम, रईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा, अमृतपुर कला के हजारों सैकड़ों किसान डीसी करनाल को ज्ञापन देने आए, उनको याद कराने आए। हमें पिछली 4 तारीख को डीसी करनाल से मिले थे, उसके बाद 9 तारीख को मिले थे, 10 तारीख को सीएम साहब ने आना था यहाँ कामला में। डीसी साहब ने किसानों को बुलाया, मीटिंग हुई। हमारी 2-3 मांग थी, एक तो जो रिकॉर्ड नया तैयार कर रहे, इंतकाल जमाबंदी बनाने लग रहे और रिकॉर्ड नए दाखिल करने की फिराक में, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। डीसी साहब ने 10 तारीख को देखते हुए तुरंत आश्वासन दिया, भाई सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है, आज के बाद कोई नई रजिस्ट्री, इंतकाल जमाबंदी नहीं होगी। और भी 2-3 मांग थी हमारी, डीआरओ करनाल पर हमारे केस चल रहे थे, बहन में जल्दी फैसला हो। डीआरओ करनाल ने तो अपना कर दिया, हमारे जितने केस थे गुंडा चल गए, लेकिन डीसी करनाल को शायद कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, किसान दिखाई नहीं देते। उसके बावजूद भी कुछ रिश्वतखोर, गुंगे, बहरे, रिटायरमेंट अधिकारी जिन्हें पीसों की भूख है, आज भी दफ्तरों में बैठे हैं। हमारे पास फोटो है, रिकॉर्डिंग है, एक भी चीज बंद नहीं हुई। डीसी करनाल का झूठा आश्वासन है, झूठा वादा करे किसानों तय, उसकी एवज में आज किसान यहाँ से वहां तक पूरा प्रदर्शन करेंगे। अल्टीमेटम देना है डीसी को, अगर तुरंत हमारी मांग नहीं मानी गई, आज यहाँ से सीधे किसान बस्ताड़ा जाएंगे, उनका समर्थन लेंगे, पूरे करनाल में प्रदर्शन करेंगे और 5-6 बस भर के सीएम। हालांकि अब देखना होगा कि डीसी साहब को मामले में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और परेशानियों से जूझ रहे इन किसानों को इनकी जमीन का मालिकाना हक मिल पाता है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।